भाई आगे वाला बंदा देखो ये ऐसे गाड़ी चला रहा है। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. पापा ने ना मेरे को एक्चुअली स्टार्टिंग में कहा था कि अगर मैं अपनी लैम्बो पे रेड के अलावा कोई भी रैप करवाऊंगा, ऑरेंज हो गया भाई तो चलो है ग्रीन कराऊंगा, तो गाड़ी पे सूट नहीं करेगा बिकॉज गाड़ी का जो नंबर है आई थिंक वो टोटल 4 है एंड 4 पे कुछ रेडी सूट करता है ऐसा पापा ने और कहा था एंड ये बात बिल्कुल सही थी। अगर मैं इसके अलावा कोई और कलर कराऊंगा गाड़ी में प्रॉब्लम वगैरह आएंगी जो कि मेरे को आती थी। गाड़ी ऑरेंज कराते ही अगली गाड़ी का टायर फट गया बीच रोड पे, मतलब आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ पर ऐसा गलत सीन हो गया। अब शायद इस तरह से भाई ये माइंड की कोई ना कोई बात है या भाई लिटरली कोई नंबर्स वगैरह मैटर करते हैं, बट जो भी है भाई मैं फिलहाल प्लान कर रहा हूँ जो मेरी गाड़ी के अंदर पीछे बीच कलर की वाइट कलर की स्ट्राइप है ना उसके लेफ्ट साइड में मैं करा दूँगा थोड़ा सा रेड कलर का भी स्ट्राइप, उससे क्या होगा कि जो गाड़ी पर रेड कलर है वो भी आ जाएगा एंड जो पापा की बात है वो भी सही हो जाएगी। फिर देखते हैं गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए बिकॉज भाई अभी गाड़ी का जो टायर है वो फट गया, फिर गाड़ी के भी स्पार्क प्लग चेंज हुए हैं सर्विसिंग के अंदर, फिर गाड़ी की पूरी प्रॉपर सर्विसिंग हुई है, चलो वो तो होनी ही थी बट जो इन्होंने बिल बनाया वो देख करके मेरी हालत ख़राब होगी। अब जो गाड़ी है वो आ जाएगी कल फरीदाबाद से ही जो उनका लैम्बोर्गिनी का सर्विस सेंटर है एंड बाय द वे वेल। सो व्हाट इज़ अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक हियर। अभी हो चुका है टाइम 5:23 PM और अपने करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। पहले मैं अपने पूरा बिछा रहा हूँ बेड वगैरह बिकॉज भाई मुझे इसमें सो के उठा था आधे घंटे पहले और मेरा सबसे पहला काम होता है बिछाना बेडशीट नई वाली। सो चलो अपने करते हैं व्लॉग को स्टार्ट, सो लेट्स गो। पूरा देखना पड़ता है एक्चुअली कि वहाँ से भी बराबर हो यहाँ से भी बराबर हो, और ये पुराने वाली बच्ची मतलब अभी जो उतारी है मैंने तो बस अभी इसको मैंने पूरा कर दिया है, ये उसको धक्का मार दूंगा ऐसे और ये पीछे हो जाएगी। बस मैं अभी जा रहा हूँ मम्मा, बाय बाय। कल मम्मा देख कर आया था रोल्स रॉयस की जो फेवरेट ड्रीम कार है ना वो देख कर आया था, उसकी फेरी देखी आपने? हाँ। चलो ओके फिर बाय। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं आ नहीं रही, मैं जा रही हूँ। अच्छा, मेरे को अभी जाना है छतरपुर बिकॉज जहाँ पे हम कल गए थे वही सेम जगह जाना है बिकॉज शायद से कुछ ना कुछ बात चल रही है हमारी, तो यू गाइस कैन सी अपकमिंग व्लॉग्स के अंदर की क्या सीन बनता है। तुझे अपने अंकल कल देखी थी कैसी लगी थी वो? अरे भैया वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था, आप मुझे बाहर बुला रहे हैं, मैं बोला रुक जाओ भैया मैं आ रहा हूँ। बाकी भाई अभी सीन है हम गाड़ी वही देखने जा रहे हैं, इन्होंने पूरी रोड तोड़ दी यार, आज पूरी इन्होंने रोड तोड़ दी हमारी। हाँ भैया, फिर बोलते बना रहे हैं, बनती है नहीं, एक दो हफ्ते बाद बनती है गाड़ी, चलने लायक तो रोड है नहीं। आज मैं ले रहा हूँ फिर एक रेड बुल, ये छोटे वाली बिकॉज मैं बड़े वाली बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है, एक ये वाटरमेलन फ्लेवर भी अच्छा है बट आज नॉर्मल वाली फ्लेवर ले रहा हूँ। चिकन तो खाने का वैसे मेरा मन है बट कुछ वेज में ही लूँगा तो आई थिंक ये वेज बर्गर ये ले लेता हूँ। यार दिन में तो बिल्कुल अच्छी सी लगती है, साथ में ये ब्लैक मिरर्स और ये अपना ले लिया मैंने खाना, मैंने भी डाला इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपने ये वाला, तो अंकल जी को मैंने बोला अंकल मेरे को जरा पोस्ट डालना है, आप जरा ड्राइविंग सीट पे आ जाओ जरा चलाओ जैगुआर पहली बार, तो कैसा अंकल लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, लग्जरी गाड़ी लग रही है, मतलब पता लगा ना अच्छी है, अच्छी फीलिंग आ रही है। आज तक मैंने मतलब से गाड़ी चलाई ही है, मैं आज तक यहाँ पर साइबर सीट पर आकर नहीं बैठा बट मेरे को पता लगा कि अंकल की गाड़ी लग्जरी तो है, मतलब चलाने में आपको उतना ही बता रहा होगा जितना को यहाँ बैठने में आ रहा होगा। हाँ भाई लग्जरी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। बाकी एक चीज़ अंकल और है कि थोड़ा सा मतलब हमको दिक्कत आ रही है ड्यू टू दीज ब्लैक फिल्म बिकॉज ये एक्चुअली अलाउड नहीं है, बट दिक्कत क्या है कि अंकल धूप इतनी ज़्यादा है ना उसके बाद ये मेरी पूरी टैनिंग है टैनिंग हो जाती है स्किन पर, तो इस चक्कर में मतलब ये अभी मैं हटवा नहीं रहा, जैसी फिर विंटर्स वगैरह थोड़ी आएंगी फिर तो थोड़ी मतलब धूप चाहिए होती है बॉडी को, बट फिलहाल यार ऐसी धूप है कि मतलब इतनी गर्मी हो रही है, अब ये टेम्परेचर है वो है 43°C मतलब शाम के 6:30 बजे तक इतना गर्मी वाला टेम्परेचर, तो सोचो मतलब दोपहर में क्या होती होगी मेरी हालत अगर मैं निकल जाऊँगा दोपहर में। कि वो चोट ठीक है पहले से? हाँ बेटर है भैया, दर्द तो नहीं है ना आपको? बिल्कुल हल्की फुल्की बहुत हल्की। भाई आगे वाला बंदा देखो ये ऐसे गाड़ी चला रहती है, ड्राइविंग चला रहा है एक ब्रेक मार रहा है, इतनी तेज ब्रेक मार दी इसने भाई, अभी नहीं तो लग जाते हैं, लग जाते हैं। तो पीछे से अंकल मैं देख रहा हूँ पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं, अंकल जी पहली बार जाके चला रहे हैं और पहली बार ही कांड जाता आज बच की, बस कोई बात नहीं अंकल जी चलाते वो सेफली है। आज आपको डेट हो जाएगी 13 मई, इसलिए पापा का बर्थडे है तो अभी यहाँ पर आया हूँ केक लेने के लिए, पेस्ट्री पहले से देखते हैं बढ़िया कौन कौन सा केक मिल जाते हैं, अभी तो जल्दी जल्दी में आया हूँ मैं अभी। यार अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये ब्लूबेरी चीज़ केक तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बट पापा को पसंद है नहीं चीज़ केक, तो इसलिए पाइनएप्पल भी है रेड वेलवेट भी है बिकॉज दिन में भी केक कटेगा, तो अभी यहाँ पे ये वाला फाइनलाइज करा है मैंने। और भाई ये बोल रहे हैं आजकल वीडियो नहीं डाल रहा मैं यूट्यूब पे, ऐसे क्यों बोल रहे हो? दुश्मनी क्या होगी आपको मेरे से? तमता बड़े ड्राइवर भाई, इसमें देखो ए पी टी हाँ एम। अभी हम पूरा अपना काम वाम खत्म करके आ गए हैं, यकीन बता रहा हूँ अगर आज गाड़ी लग जाती ना जयगुआर
पापा सुन नहीं रहे तो भाई दिक्कत हो जाती, बहुत तगड़ा कांड हो रहा था तो सारा कुछ बच गया टचवुड। बाकी अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ ऊपर भाई, अपना जो काम था अच्छा खासा लंबा पूरा काम ख़त्म कर दिया, आपको दिखेगा अपकमिंग व्लॉग्स में। बाकी फिलहाल के लिए ये अपडेट है कि मेरे को लग रही है बहुत तेज़ की भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ सिर्फ एक बर्गर के अलावा, बर्गर भी अंकल जी को मैंने हाफ दिया कि अंकल जी आप भी खा लो मैं भी खा लेता हूँ। 11:56 12 मई, ये पापा का केक है, PA2 यानी कि पापा, और ATM 2.0 यानी कि ATM है ना पापा पैसे देते हैं, ATM 1.0 मम्मा है। पापा वैसे भी सो चुके हैं तो उनको उठा के लाऊंगा, ये एक्चुअली अंकल जी भी मेरे साथ में आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और साथ में एक सरप्राइज़ भी है वो भी दिखाऊंगा। पापा केक काट रहे होंगे, मेरे को ऐसे पकड़ा देना खा दो, ठीक है ऐसे मार दूंगा, ठीक। ये है स्नो स्प्रे, ये जो होली पे यूज़ करते हैं ना, बस इतना से मतलब केक नहीं वेस्ट करना, यही मुँह पे मार देंगे थोड़ा बहुत हो भी जाएगा जो होता है हमारा हमेशा। भाई मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं सर का बर्थडे मना रहा हूँ। हाँ पर मम्मा भी सो चुके हैं, पापा भी सो चुके हैं, उनको लग रहा है ऐसा कुछ हो या नहीं, बट उनको ये पता भाई यहाँ तो पूरा सिस्टम अलग हो रखा है। और तो शुरुआत एक और सीन है कि पापा कभी भी कैंडल्स नहीं ब्लो करते, पापा बोलते हैं कभी भी कैंडल्स में अपनी केक भी नहीं लगाता ना, पापा कभी केक कट करते हैं, पापा हमेशा स्पून से थोड़ा सा खा लेते हैं, कभी पापा केक कट नहीं करते हमेशा, उनका यही सीन यही है। 11:59 और चलते हैं, पापा को जरा उठा के लाता हूँ बिकॉज 12 तक बच जाएंगे उनको उठाने में। पापा केक पारा लेने वाले हैं, इसे काटो ना। अब आप कभी कैंडल क्यों नहीं ब्लो करते ये बताओ पहले, वो ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी के अंदर और काटते भी नहीं, इसलिए मैं चम्मच रखा हुआ है यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये ना पापा ये खाओ। बस अंकल जी अब जा रहे हैं, अंकल थैंक यू सो मच। हाँ भाई यार मैंने मंगवाया अभी ये किसेडिया और इस पर लिखा हुआ है किसेडिलो, पता नहीं भाई इतना छोटा सा आया है, मैंने फोटो में कुछ और दिख रहा था, चिकन चीज़ किसेडियाज और किसेडिलो लिखा हुआ है, बताओ यार। यार दिल्ली में ना एक लॉ है कि यू कैन ड्राइव योर कार मोर देन 15 ईयर्स, तो एग्जांपल जो मेरी कार है वो है 2014 मॉडल, तो 2019 के बाद जो गाड़ी है वो दिल्ली के बाहर में कहीं भी चल सकती है बट दिल्ली में वो नहीं चल पाएगी, दिल्ली एनसीआर में वो ड्राइवेबल नहीं है। तो उस सीन में क्या है कि भाई भाई पापा कह रहे हैं कि बस अब जो अगली एमरजेंसी की कार आएगी वो एक इलेक्ट्रिक कार, तो इससे पहले लाइक वो इलेक्ट्रिक कार वगैरह लॉन्च करें तो हुरैकन वगैरह परचेज कर ले, बिकॉज हुरैकन भी तू ले 2020 या 2021 मॉडल, बिकॉज देखो नई गाड़ी आने का तो बिल्कुल फ़ायदा है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ हुरैकन में अपग्रेड कर लिया जाए, तब से मैं देख रहा हूँ भाई कौन सी ली जाए, ईवीओ, रियर व्हील ड्राइव, स्पाइडर, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, ईवीओ तो चलो है ही, स्पाइडर है, फोर व्हील ड्राइव है, फिर उसके बाद एसटी वगैरह चलो वो तो अलग लेवल चले जाते हैं, बट फिर ये सीन चल रहा है कि कौन सी ली जाए। और अभी बस मैं देख रहा हूँ बहुत सारी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे, आपको भी दिखाता हूँ। अरे तो यार ये है हुरैकन ईवीओ रियर व्हील ड्राइव स्पाइडर, इसमें मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना तो इस पे मतलब यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस हैं, जैसे कि देखो ये येलो है, देन ये रेड है। Although I have driven this rear wheel drive spider EVO in Dubai, लेकिन भाई जो गाड़ी की क्वालिटी है ना, मतलब लाइक इसकी ड्राइव क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट देन आई एम लाइक कि जो गयाडो है वो भी V10 है, जो मेरी हुरैकन है ये भी V10 ही होगी, तो फरारी ली जाए बिकॉज वो एक तरह से V8 में आ जाती है, बट वो इतना जो BHP आपको मिलता है वो ज़्यादा मिल जाता है फरारी के अंदर, तो देखते हैं। या तो एवेंटाडोर भी बन सकता है बढ़िया सा ऑप्शन, लाइक एवेंटाडोर भी आ सकती है, एवेंटाडोर ऐसा सकती है, देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। बाकी खत्म करता हूँ अपने आशीष व्लॉग को, यहीं पर मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ, बाय बाय। अब इनका किस्मत ही खराब है, पता है आपको ये बात? ये तो पक्का है। पूरा कह रही नहीं खुला अंकल जी का, खींचो इसको, देखो इसमें वो डालो स्ट्रॉ, स्ट्रॉ डाल दूं? नहीं। मचे।